नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2023 का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं सोलोजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। प्रिय मकर राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों की स्थितियों के अनुसार 2023 का पहला महीना यानी जनवरी के महीने में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र, आय क्षेत्र, विदेश यात्रा, संपत्ति, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, जीवन में जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें होती हैं इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। साथ में अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं हैं तो इसको बेहतर बनाने के लिए, ताकि जीवन में शुभ प्रभाव की प्राप्ति हो, आपको क्या करना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। प्रिय मकर राशि वाले, राशिफल बताने से पूर्व दो जानकारी आपको लेनी चाहिए। पहला, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, 17 जनवरी 2023 से आपके जीवन में शनि की 7.5 का तृतीय चरण प्रारंभ हो जाएगा। सभी को यह बात की अच्छे से जानकारी है कि शनि की 7.5 का जो तीसरा चरण होता है यह लाभकारी होता है, उन्नति कारक होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब यह शनि की 7.5 का तृतीय चरण जब चलेगा ना, तो शनि अपने सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव देने वाले कारक राशि कुंभ में रहेंगे। मकर राशि और कुंभ राशि है तो दोनों शनि की ही राशि, लेकिन कुंभ राशि में शनि का कोई भी अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो प्रिय मकर राशि वाले, चलिए सर्वप्रथम 1 से 31 तारीख तक का यानी जनवरी का संपूर्ण राशि फल में सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं कर्म क्षेत्र का हाल, कि आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल कैसा रहेगा। प्रिय मकर राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र कारक शुक्र जो हैं यह केंद्र में ही बैठे हुए हैं और पंचम स्थान के अधिपति यानी त्रिकोण के मालिक हैं, यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग कर्म क्षेत्र का कारक ग्रह आपके जीवन में बना करके बैठा रहेगा 22 जनवरी तक। यानी 22 जनवरी तक जो है कर्म क्षेत्र का कारक ग्रह केंद्र में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 17 जनवरी तक शनि की भी तीसरी दृष्टि, माफ करेंगे, शनि की भी 10वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे उच्चस्थ अवस्था तुला पे रहेगा, जहां यह केतु के प्रभाव को कंटिन्यू बढ़ा रहा है। तो चलिए पहले बताता हूं कर्म क्षेत्र का हाल। कर्म क्षेत्र में 17 जनवरी तक नए नौकरी व्यापार के बहुत ही अच्छे योग देखने को मिलेंगे। 17 जनवरी तक जिनको लगता था कि जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। सरकार के कर्म क्षेत्रों से लाभ है, बड़े बड़े लोगों से संपर्क होगा, देश दुनिया समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी। अगर किसी कारण से कोई रिजल्ट वगैरह आना था वह में उसमें आप पास होंगे, तो क्या 17 जनवरी के बाद कुछ नहीं होगा। 17 जनवरी के बाद नौकरी व्यवसाय का इतना बेहतर बदलाव और इतना बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा कि मैं क्या बोलूं। 17 जनवरी के बाद और 22 जनवरी के बाद व्यापार या नौकरी में बड़े इन्वेस्टर भी मिलेंगे, जिससे आपके रिलेशनशिप इतने अच्छे होंगे कि आने वाले टाइम पे यह व्यापार पे 4 चांद लगाने वाला रहेगा। यानी यह साल का शुरुआत का जो पहला महीना जनवरी है मकर राशि वाले, जबरदस्त बेहतर है। इस बात की 100% मैं आपको सियोरिटी और गारंटी देता हूं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, विदेश यात्रा कारक बुध जो है वो 18 जनवरी तक वक्री है, क्योंकि द्वादश स्थान पर बुध वक्री है तो यह शुभस्थ फल देगा, और 14 जनवरी तक यह बुध आदित्य योग उत्पत्ति भी बना करके रखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे महीने मंगल की अष्टम दृष्टि भी द्वादश स्थान पे है, मतलब 18 जनवरी तक विदेश जाने का योग बहुत ही बेहतर है। 18 जनवरी तक जो है विदेश जाने के चांसेस बहुत ही बेहतर है। तो क्या 18 जनवरी के बाद चांसेस कम हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। 22 जनवरी के बाद जब शुक्र द्वितीय होंगे तो विदेश जाने का योग बनेगा, लेकिन 18 जनवरी के बाद नौकरी व्यवसाय, माफ करेंगे, विदेश जाने का योग बहुत ही अच्छा है। आप जिस रूप में भी जाना चाहते हैं, पीआर से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, इसके अलावा वीजा से रिलेटेड, या जो भी समस्याएं जीवन में है 18 जनवरी तक सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और जैसे ही फिर शनि द्वितीय होंगे, शुक्र द्वितीय हो जाएंगे, तो विदेश जाने की संभावना बन जाएंगी। यानी 18 जनवरी तक योग तो है, 18 जनवरी के बाद भी है, लेकिन 18 जनवरी तक ज्यादा बेहतर योग देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं इनकम का हाल कैसा रहेगा, क्योंकि बिना आय का तो कुछ होने वाला नहीं है। आय कारक मंगल सीधा पूरे महीने आय कारक स्थान को देख रहे हैं। आय कारक स्थान पे देव गुरु बृहस्पति की भी जो है वह पूरे महीने दृष्टि रहेगी नवमी,
और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, 14 जनवरी से सूर्य भी केंद्र में आ जाएंगे और 17 जनवरी से शनि देव धन स्थान में जाएंगे और शुक्र भी धन स्थान में जाएंगे। 22 जनवरी से पूरे महीने यतः धन की प्राप्ति रहेगी, मतलब आपके जीवन में 17 जनवरी तक धन आता रहेगा, काम चलता रहेगा, धन आता रहेगा, काम चलता रहेगा। हालांकि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट और अचानक अचानक मोटा इनकम जो है वह आपको 17 जनवरी के बाद आएगा, इस बात की 100% सियोरिटी है। अगर मैं बात करूं भूमि मकान वाहन और संपत्ति का क्या हाल रहेगा, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपकी कुंडली में जो है मंगल है और मंगल केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति में है, मतलब बहुत ही शुभ पोजिशन पे है। तो कैसा रहेगा देखिए, ऐसे तो फोर्थ हाउस कारक जो शनि होते हैं प्रॉपर्टी के लिए, शनि 17 जनवरी के बाद द्वितीय स्थान में डाल जाकर के तीसरी दृष्टि जो निचत दृष्टि है वो राहु के बल को तो बढ़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। यानी निश्चित तौर पे 17 जनवरी के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति को लेकर के दिक्कतें आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। 17 जनवरी तक भूमि मकान वाहन से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी, 17 जनवरी तक जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद दूर हो जाएगा, 14 जनवरी के बाद ससुराल पक्ष से भी प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर माता पिता से स्वास्थ्य की बात करूं तो 17 जनवरी के मां के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमियां देखने को मिलेंगी, मां के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेंगी, तो इस मामले में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जबकि पिता का स्वास्थ्य पूरे महीने अच्छा रहेगा, बल्कि 22 जनवरी के बाद पिता से तालमेल भी बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। फिर भी मैं बोलूंगा 17 जनवरी के बाद थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहनों से पूरे महीने तालमेल बहुत ही अच्छे हैं। किसी रिश्तेदारों को लेकर के, भाइयों से लेकर के किसी प्रकार का विवाद है प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वह 17 जनवरी के बाद सॉल्व होगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा 17 जनवरी के बाद इन्वेस्टमेंट करने से पहले संपत्ति में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माता से भी मतभेद मत कीजिएगा 17 जनवरी के बाद। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल, वैवाहिक जीवन का हाल कैसा रहेगा, विवाह कारक शनि और चंद्रमा होते हैं। 17 जनवरी तक शनि देव सप्तम स्थान को सातवीं दृष्टि से देख रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बृहस्पति भी पंचम दृष्टि से सप्तम स्थान को देख रहा है। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, राहु की दृष्टि क्रूर होती है। इन सभी की दृष्टियों का अशुभ प्रभाव होता है वैवाहिक जीवन को लेकर के। 17 जनवरी तक वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहेगा। 17 जनवरी तक जो है जिनका पहले से विवाह हो चुका है मतभेद रहेगा, किसी कारण से अलगाव की स्थिति भी बनी रहेगी। लेकिन 17 जनवरी के बाद जैसे ही शनि देव द्वितीय स्थान पे जाएंगे तो सर्वप्रथम ये जो है प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करना चालू कर देगा और 22 जनवरी के बाद जो है विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे योग देखने को मिलेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में बढ़ोतरी होगा, तालमेल ठीक हो जाएगा, किसी कारण से संबंध विच्छेद हो चुका है, अलग अलग आप रह रहे हैं, उससे रिलेटेड समस्याएं ठीक हो जाएंगी और 14 जनवरी के बाद ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दैट मीन्स 17 जनवरी तक आप अपने वैवाहिक जीवन को ठीक रखिए मकर राशि वाले। 17 जनवरी तक क्रोध मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए, जीवन साथी के मध्य की कमियों को मत निकालिए, इसके बाद आपका टाइम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं एक मार्गदर्शक हूं, बता सकता हूं, हाथ पकड़ के चला नहीं सकता, ये याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट का हाल, देखिए पंचम स्थान में तो मंगल बैठा हुआ है, निश्चित तौर पे है तो यह शत्रुगत राशि वृषभ में। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि फिर पंचम स्थान कारक होए कौन, शुक्र। शुक्र केंद्र में है और 22 जनवरी से वो धन स्थान में चला जाएगा। अब यहां पे मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं, पंचम स्थान कारक सूर्य होते हैं। सूर्य 14 जनवरी तक द्वादश स्थान पे है, दैट मींस कि 14 जनवरी तक शिक्षा में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, 14 जनवरी तक थोड़ी परेशानियां देखने को मिलेगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड समस्या हो सकती है, पर यह थोड़ा ही रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। 14 जनवरी के बाद फिर जो है उच्च शिक्षा का लाभ है, लव लाइफ भी सुधर जाएगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिल जाएंगे, प्रथम संतान से तालमेल भी ठीक हो जाएगा, संतान दूर है तो वो आपके नजदीक भी आ जाएंगे और 22 जनवरी के बाद तो ऐसे भी तालमेल ठीक हो जाएगा। द्वितीय संतान का तालमेल पूरे महीने बहुत ही बेहतर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और तृतीय संतान तो आपका नाम रोशन करने के लिए बैठे हुए हैं। यानी जनवरी महीने का हाल में संतान की स्थितियां बहुत ही अच्छी है, शिक्षा की स्थिति बहुत ही अच्छी है। अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, 14 जनवरी तक सिर्फ हताश नहीं होना है,
मजबूत रखना है अपने आप को, 14 जनवरी के बाद ऑटोमेटिक आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलनी चालू हो जाएगी। मकर राशि वाले, मैं जो बोलता हूं वो सटीकता वाली बात है, तो थोड़ा सा आपको इस मामले में ध्यान देना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि हाथ पकड़ के मैं नहीं करा सकता, पेशेंस नहीं हारना है, मेरा काम है ये ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, मस्तिष्क ये करेगा, मस्तिष्क ये करवा करके आपसे ये कर्म करवाएगा, तो इस समय के लिए आपको शांत रहना, इस समय बच के रहना, बस यही होगी एस्ट्रोलॉजी। किस्मत तो कोई किसी का बदल ही नहीं सकता, जो बोलता है मैं बदल दूंगा गलत है। हाँ, रत्न वगैरह पहना के थोड़ा सा कुछ ना कुछ दिमाग को चेंज किया जाता है, ग्रहों के प्लेनेटरी पोजिशन के वेव को थोड़ा सा ठीक किया जाता है, तब इंसान आगे बढ़ जाता है, बस हो गया। अगर मैं बात करूँ कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल, स्वास्थ्य कारक की स्थिति की बात करूँ, 18 जनवरी तक थोड़े से नसों का खिंचाव, सिर में दर्द की समस्याएं रहेंगी, नेत्र की समस्याएं रहेंगी, 18 जनवरी के बाद इसमें सॉल्व होता हुआ दिखेगा। 14 जनवरी तक केस मुकदमा में कोई लाभ नहीं मिलेगा, विवाद रहेगा, स्थिरताएं रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, 14 जनवरी तक केस मुकदमा में बच करके रहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं राशिफल देखने से, 14 जनवरी को परिस्थिति ठीक हो जाएगी। उपाय, प्रत्येक दिन खास करके 14 जनवरी तक प्रत्येक दिन जल में गुड़ डाल करके शिवलिंग पे माफ करेगा सूर्य को अर्घ्य दीजिए। 18 जनवरी तक ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करें, और इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, नेम फेम कमाना चाहते हैं, तो ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, और भगवान कृष्ण के चरणों पे कोई भी एक पुष्प जो है प्रत्येक दिन अर्पित कीजिए, पूरे महीने बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो प्रिय मकर राशि वाले, कैसा रहेगा जनवरी महीने का पूरे 31 दिनों का हाल, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है, यानी प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।